नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर पीडीएस डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब बोर्ड के बच्चे हैं और आशा करता हूँ आप सब खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, खूब मन लगा करके नोट्स बना रहे होंगे। अपनी तैयारी का विशेष ख्याल रखिए क्योंकि एग्जाम होना ही है। मैं हर वीडियो में आपको इसको बताता रहता हूँ, मैं आज फिर से बता रहा हूँ, आपका ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपना एडमिशन कराएं, अपनी कॉपी किताब खरीदे, अपनी पढ़ाई वीडियो के माध्यम से करना शुरू। इसके पहले के वीडियो में बेटा हम लोगों ने आज पहले तो बता देता हूँ आपका आज के वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। बेटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दो न्यूमेरिकल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, हम दो न्यूमेरिकल समझेंगे ताकि आपको हेल्प मिले आगे चल करके। जो है किताब में जो है जो न्यूमेरिकल दिए गए उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। और न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आते हैं बच्चों, आप एग्जामिनेशन के नए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे मात्रा में आते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आया, न्यूमेरिकल आपको फंसने लगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए चलिए बहुत तेजी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम लोग यहाँ पर हैं। और इसके बारे में आपको बता दूं, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सारे टॉपिक पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सब कुछ पढ़ा। उन्हीं पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लेकर आप सामने आए। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि न्यूमेरिकल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, अब क्या बोल रहा है बेटा कि हाउ मच करेंट विल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच करेंट विल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200। हाउ मच करेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटे, हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी बराबर आई आर। ओके बेटा, वी बराबर आई आर, और हमको आई पूछ रहा है, आई बराबर वी अपॉन आर, और वी यहां आपको वोल्ट में दिया है बच्चों 220 वोल्ट, तो 220 अपॉन आर आपको कितना दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200। ओके, 22 अपॉन 120, और जल्दी जल्दी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आप आएंगे 0.18 एम्पीयर। ओके बच्चों, ये एक क्वेश्चन होगा, उसका भी एक क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जाने, हम लोग को क्या निकालना, हाउ मच करेंट आई निकालना है, आर दिया है, बी दिया है, ओम्स का लॉ बता है बी बराबर आई आर, आई निकालना है आई बराबर वी अपॉन आर, वी 220 वोल्ट दिया है, आर जो है 1200 वोल्ट दिया है, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.18 एम्पीयर करेंट आपको इस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं हाउ मच करेंट विल इन एन इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्सेस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर क्वाइल इज 100। अभी तक बल्ब की बात कर रही थी, कर रहा था, अब क्या कर रहा है, हीटर की बात कर रहा है, और 220 वोल्ट का इसका वी है, यहां पे भी आपको पर निकालना है, लेकिन अब क्या बताया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल इज 100 ओम। तो बेटा इसका कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर वी अपॉन आर, इसका भी निकलेगा, वी दिया है 220 अपॉन 100, ये कट जाएगा और 2.2 एम्पीयर करंट आएगा। कितना सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो क्या किया आप लोगों ने, पहले कंडीशन में क्या कह रहा था कि एक तार एक बल्ब में जो बल्ब फिलामेंट है उसके अंदर बल्ब में लगा ना जितना सा फिलामेंट, उस फिलामेंट पर रेजिस्टेंस जो है वो 1200 वोल्ट दे रहा था और उनके बीच का वोल्टेज जो दे रहा था वो तो 220, हमने आई से निकाल दिया। और दूसरी कंडीशन में बल्ब न दे करके हीटर दे रहा है, तो हीटर का जो वोल्ट दिया है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है 100 वोल्ट, हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका 0. यानी बल्ब वाले का 0.18 एम्पीयर आ रहा है और हीटर वाले में आ रहा है 2.2 एम्पीयर।
आशा करता हूँ बेटा आप सब अच्छे से समझ गए होंगे सर, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटाओ बेटा, समझ आ गया। अच्छे से समझ में आ गया सबको। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बेटे यहाँ कितने क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ हैविंग गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल ई एन जी टी एच लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ डिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग L by 2 and area of cross section is 2 ampere. तो देखिए इसमें आपको क्या निकालना है कि what would be the resistance of the another wire? What would be the resistance of another wire? क्या होगा जो हमारा another wire होगा उसका resistance क्या होगा? आपको बस अगर लिख दिया बेटा इसको क्वेश्चन सही कर लेंगे आप। A wire of फिर से देखेंगे इसको पढ़ेंगे वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यहां देखिए 4 ओम हमने लिखना यहां पर भूल गए थे। उसके बाद फिर ये कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर। यहां पे लिखना चाहिए व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई टू एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 एमपीयर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले से फर्स्ट वायर के लिए निकाल लेंगे बेटे। तो फर्स्ट वायर के लिए हमको आर आर नॉट इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, ये हमारे फर्स्ट वायर के लिए है, आप अच्छे से जानते हो। और ये हमें 4 ओम दिया भी है। ये कितना दिया है? 4 ओम। देखिए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4। पर अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई टू। ओके, हैविंग लेंथ एल बाई टू, अब यहां एल बाई टू अपॉन ए हो जाएगा बच्चों। और क्या यहां होगा? ओके बच्चों, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रो इनटू एल बाई टू है और इनटू ए रहेगा ही, ये आपका यहां पर टू ए हो जाएगा, रो इनटू एल बाई टू ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक सेटिंग करनी है, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग यहां पर सॉल्व होगा। यहां पर आपको दिया हुआ पहले रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस का, दूसरे रेजिस्टेंस में आपकी यही लेंथ जो है वो एल बाई टू हो गई, तो ये यहां पर चलाएगा। अब बच्चों जरा आप देखेंगे रो इंटू एल इंटू ए, जरा इस पूरे क्वेश्चन को देखिए बाई ए, ये पूरा क्या है? आर वन ही तो है, आर वन ही तो है, तो आर टू इज इक्वल टू, आर टू इज इक्वल टू इतने की जगह हम लोग आर वन रख सकते हैं, ठीक ना? और ये जो हो जाएगा तो 1.2 रहेगा आर वन। अब ये 1.2 और इनटू आर वन कितना दिया है बच्चों? आर वन हमारा 4 और एरिया क्रॉस सेक्शन 2 एरिया है, क्रॉस सेक्शन 2A। हमारा यहां जो लेंथ है वो एल बाई टू दिया है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है?
ले लिया है ओके तो रो इनटू एल अपॉन ए ये तीन जगह क्या हो जाएगा आर वन और ये दो तीन चार हो जाएगा ठीक है। अब आर वन की जगह हम लोग तो रख देंगे क्या चार दिया हुआ है और चार से चार कट जाएगा फोर कट जाएगा तो बचेगा वन ओम यानी कि वो नेक्स्ट वाला ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अनदर व्हाट वुड द रेजिस्टेंस ऑन अनदर वायर तो अनदर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए। कुछ नहीं करना आपको रेजिस्टेंस का पहले फार्मूला लेना है यहां का चार में पहले से दिया है फिर आपको यहां लिखना है लेंथ को 10 बाय 2 कर देना है ए को 2a कर देना है यहां पर और जब इसको ले आकर के हम लोग रखते हैं कि यहां आगे की जितनी टू के वहां पहले से था l बाय 2 तो इसका वर्क तो सब होगा r1 के रूप की पूरी वैल्यू r1 है r1 के हम विचार करती 1 को हमें मिल गया। आशा करता हूं बेटा ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आएंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर्स के नए कांसेप्ट के साथ रहेंगे तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें नमस्कार।